तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 9 में ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, ये भी इनफाइनाइट कैपेसिटर्स हो गया था, व्हीटस्टोन ब्रिज हमसे हो गया, ये क्वेश्चन भी शीट में हमने कर लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। पैरेलल में कॉम्बिनेशन में है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लैडर वाली प्रॉब्लम हमने कर ली थी जिसमें एरिया ए बाई थ्री, ए बाई थ्री, ए बाई थ्री, तो इसमें क्या किया गया, तीनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, क्योंकि वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू पैरेलल है, तो इसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री बाई डी, इसकी एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री बाई टू डी, इसकी एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री बाई थ्री डी। तो आपके यहाँ से ये पैरेलल में लगाना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड इट टोटल एनर्जी, ये नहीं हो नहीं पाएगा, इसमें करेक्शन है, इसमें वी की वैल्यू मिसिंग है, इसे छोड़ दो, वी की वैल्यू मिसिंग है, ये होगा नहीं, गलत हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने प्लेट्स वाला क्वेश्चन किया था, याद करो इस क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक थी, कि जैसे अगर ये वी वन प्लेट है तो पूरी की पूरी वी वन पे होगी और ये भी वी वन पे होगी, ऐसी अगर ये वी टू है तो ये वी टू और ये वी टू होगा, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वन माइनस वी टू, इसमें कितना है, वी वन माइनस वी टू, ये तो कैपेसिटर बना ही नहीं क्योंकि वी टू, वी टू का तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, राइट, तो ऐड कर देंगे सी वन प्लस सी टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्लियर है यहाँ तक। तो इसको ऐसे भी करके दिखाया था कि अगर ये प्लस प्लेट है तो ये सारी की सारी प्लस 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 हो जाएगी, ये सारी की सारी प्लस 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 हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो ये सारी की सारी नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगी, प्लस और माइनस एक हो गया, प्लस और माइनस एक हो गया कैपेसिटर, तो दो कैपेसिटर्स हैं इसमें, ठीक। 10th क्वेश्चन के बाद ये शीट कंप्लीट है, शीट नंबर 9 के बाद शीट नंबर 10 है, तो शीट नंबर 10 में ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, जिसमें ये वी वन है तो ये वी वन है, ये भी वी वन है और ये वी टू है, ठीक है, तो इसमें अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरी की पूरी प्लेट पॉजिटिव है, ये पूरी की पूरी प्लेट पॉजिटिव है, ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस का एक कैपेसिटर, प्लस और माइनस का एक कैपेसिटर, ठीक है, तो ये फिर से कितने कैपेसिटर बन गए, दो कनेक्टेड इन पैरेलल, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, तो दो कैपेसिटर्स हैं, तो आंसर क्या आएगा, टू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो मैंने आपको लिखा था फॉर्मूला बुकलेट में, नोट में कर एक पेज छोड़ दो, जिसमें बताया था कि दो कैपेसिटर्स हैं, एक पे बैटरी लगी हुई है, एक में हटा दी चार्ज करके, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो बताओ एनर्जी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी जब हम डाइलेक्ट्रिक उसमें डाल देंगे, तो ये सेम क्वेश्चन है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, हैंड रिटन में हो गया, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सी वन प्लस सी टू क्वेश्चन है, इसमें डी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन 3 में 2d लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में आप d नहीं होना चाहिए, नहीं इस पे एरिया में डिवाइड करना पड़ेगा ना, a/2 a/2 एरिया को तुम खुद डिवाइड करोगे, आधी आधी प्लेट का a/2 a/2, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या बनेगी, k1 epsilon not a/2 / d, और इसकी क्या बनेगी, k2 epsilon not a/2 / d, तो 2 जो आ रहा है वो a/2 से आ रहा है, ठीक है, यस सर, यस, ठीक। फोर्थ में किया आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन है सर, फोर्थ वाले में हम ऐसे नहीं लगा सकते एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इनटू 1 माइनस के वाला फॉर्मूला, नहीं ये तो हमने लास्ट टाइम किया था ना, कि एक डायलेक्ट सर सीरीज वाला, सीरीज वाला लगा सकते दूसरे, इससे जो डायलेक्ट्रिक वाला जो फॉर्मूला है वो इससे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, फिर अगर ऐसे करना होता फिर तो हम पिछले लेक्चर में ऐसे करते ही, हर चीज़ डायलेक्ट्रिक के फॉर्मूले से करते, वो क्वेश्चन तो वो है कि अगर मान लो ये कैपेसिटर की प्लेट और ऐसे डायलेक्ट्रिक डाल दिया हमने के, जिसकी स्लैब की थिकनेस जो है वो टी है, ये तो वो क्वेश्चन था, ये वो थोड़ी ना, इसमें तो एक प्लेट, ये कैपेसिटर है पैरल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर आपने आधी हवा आधा डायलेक्ट्रिक डाल दिया, या ऊपर एक मटीरियल दूसरा मटीरियल डाल दिया ऐसे, तो इसमें इसकी कैपेसिटी क्या बनेगी, K1 into epsilon not A divided by D by 2, क्योंकि ये D by 2 हो जाएगा, ये भी D by 2 हो जाएगा, ये A है, इसकी कैपेसिटी होगी K2 into epsilon not A divided by D by 2, तो ये क्या आ गया C1, ये क्या आ गया C2,
ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो सी वन इंटू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू इज द आंसर। ओके सर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 तो कई बार कर लिया, ड्रॉप्स वाला, एन रेज टू पावर 2/3। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये गिवन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट ऑफ एरिया गिवन। तो एरिया की वैल्यू आपको दी हुई है 0.02 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन गिवन है डी इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ मीटर। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड इफ चार्ज ऑफ 1 nC। तो क्यू की वैल्यू 1 × 10⁻⁹ कूलम गिवन है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात बताओ, इन टर्म से क्या आएगी कैपेसिटी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से आपके पास सी तो आ जाएगा, क्यू आपके पास पता है, तो वी क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाई सी इज द आंसर। इफ प्लेट सेपरेशन नाउ इंक्रीज टू 2 mm, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जब डी को चेंज करोगे तो सबसे पहले क्या चीज चेंज होगी? सी। सी चेंज होगा तो वी, तो नया वी आ जाएगा। ठीक है यहां तक? तो नया वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो बेसिक फॉर्मूला यही है कि सी तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आंसर आएगा। ठीक। नेक्स्ट है 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ये 6, ये 6 और ये 6, एंड कनेक्टेड इन सीरीज विद 3 कैपेसिटर्स फर्दर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये डायग्राम बनेगा आपका, जिसमें 2, 4 एंड 2 ग्रुप्स इन पैरेलल, लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इनके साथ किस में, इन सीरीज। तो कर लेना इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैन बी कैलकुलेटेड, ये तीनों पैरेलल में, और जो आंसर आएगा इन सबके साथ इन सीरीज में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, ये 2 कैपेसिटर किस में, इन सीरीज में, सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, ये भी सीरीज में, और ये और ये किस में, इन पैरेलल में, आंसर। ठीक। सर, इस क्वेश्चन को व्हीटस्टोन ब्रिज से कर सकते हैं जो इसमें नहीं हो सकता, यस सर? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज में तो ऐसा बनता ही नहीं है, तो सीधा सीरीज में गिवन ही है। सर, पर इसमें सी वन बाय सी टू वो तो सेम है ना रेशियो? ये कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम ऐसा बना हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये एक कैपेसिटर है, और ये एक कैपेसिटर, ये देखो जंक्शन बना हुआ है हर के साथ, ये देखो एक वायर में दो लगे ही नहीं हुए, एक वायर में दो लगे हुए हैं, फर्क है। या व्हीटस्टोन ब्रिज तब था अगर ये यहाँ से ऐसा होता कि यहाँ भी जंक्शन है, तो सी अपॉन सी, सी बाई सी, ऐसे ऐसे नहीं बनेगा ये, ओके सर, यस तो सर, जान के उन्होंने जान के बनाया था कि लोग कंफ्यूज हो जाए व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो लेकिन है नहीं, ये सीरीज में, ये सीरीज में, आपस में सब पैरेलल में। इसमें ये चारों किसमें, इन, गलत, 3 पैरेलल और एक सीरीज, क्योंकि हमने शॉर्टकट किया था। अगर सिर्फ इतना डायग्राम हो, ये तीनों के तीनों किसमें होते हैं, इन पैरेलल, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में किया था, और जो आंसर आएगा वो 30 के साथ इन सीरीज, राइट। नेक्स्ट, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। देखो कैसे, शेप पे मत जाओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, तो अगर ये मान लो V1 पोटेंशियल पे है और नीचे वाला V2 पोटेंशियल पे है, तो जंक्शन भी V1 पे है। अगर ये V1 पे है तो ये भी V1 पे है, अगर ये V1 पे है तो ये भी V1 पे है, इधर से ये V2 है तो ये V2 है, ये V2 है तो ये भी V2 और ये भी V2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2, पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2, तो किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, 2.2 + 2.2, 4.4। तो आपके पास क्या निकालना है इसमें, टोटल चार्ज, वी आपको पता है, टोटल कैपेसिटेंस आपको पता है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी से आंसर आ जाएगा। मेन चीज ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था ये। तो इसमें वो कह रहा है कि एक एयर कैपेसिटर है जिसका एरिया आपको गिवन है, मतलब एयर है बीच में, एरिया आपको गिवन है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, इनके बीच में डी गिवन है मीटर में कन्वर्ट कर लेना। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 1 मोर कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया गिवन है, एंड डाइलेक्ट्रिक, इसमें डी गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की के की वैल्यू भी गिवन है। तो एक में डाइलेक्ट्रिक है और एक में नहीं है, तो सबसे पहले आप यहां से इसकी क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटेंस C1, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। C1 C2 दे दिया। अब वो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो
पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वो है 100 वोल्ट इस कैपेसिटर का। आपको बताना है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ से V1 बता दूँ तो आप V1 और 100 को ऐड करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो V1 निकालना रह गया। अब आपको इसका V पता है, आपको इसका C पता है, सॉल्व करके क्या जाएगा चार्ज, Q इज इक्वल टू C इंटू V से क्या जाएगा चार्ज। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज इसका भी सेम होगा, चार्ज एंड चार्ज सेम। अब इसका Q पता है, इसका C पता है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा V की वैल्यू आ जाएगी। जो भी V आएगा वो इसमें ऐड कर देना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट 12th के बाद क्वेश्चन नंबर 13। अ कैपेसिटर कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम अप टू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। तो एक कैपेसिटर है और जिसके ऊपर चार्ज गिवन है Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम और V1 की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट। एक और कैपेसिटर Q2 वैल्यू कितनी है 1.5 माइक्रो कूलम एंड पोटेंशियल V2 गिवन है कितना 60 वोल्ट। रिजल्टिंग पोटेंशियल बताओ और चार्ज बताओ हर के ऊपर क्या होगा, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। अभी जब इनको कनेक्ट करेंगे तो दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल पे कनेक्ट होने के बाद कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तो आप यहां से कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये भी पुट कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, क्योंकि C1 V1 क्या होता है Q1 ही तो होता है। आपको Q1 Q2 और Q1 पता है V1 पता है तो डिवाइड करके क्या जाएगा C1, Q1 पता है V2 पता है तो क्या जाएगा C2। तो आपके पास Q1 पता है Q2 पता है C1 पता है C2 पता है कॉमन पोटेंशियल, तो एक आंसर आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब चार्ज इतना है कॉमन पोटेंशियल इतना है, चार्ज इतना है कॉमन पोटेंशियल इतना है, राइट। तो इसमें ये चार्ज रादर ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा था, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल होने के बाद क्या होगा चार्ज भी चेंज हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, तो नया चार्ज निकालना है तो एक काम करें, नया चार्ज होगा Q1 डैश विल बी इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय C1, सिंपल, क्योंकि V चेंज हो गया तो चार्ज चेंज हो गया। इसका भी चार्ज आ जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू क्या कॉमन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय C2, राइट। तो चार्ज की वैल्यू आ गई और एनर्जी निकालनी है तो हाफ C1 VC स्क्वायर हाफ C2 VC स्क्वायर, एनर्जी की वैल्यू भी आ जाएंगे इसमें। ठीक, मेथड समझ में आ रहा है सबको? 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो ये हमने कर लिया था रिस्टोर, वो डायलैक्ट्रिक स्लैब डाल के लास्ट टाइम किया था। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, फिर डी को इंक्रीज कर देना है ताकि कैपेसिटेंस कम हो जाए, ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने किया था डायलैक्ट्रिक ऑब्जेक्टिव शीट में किया था। लेकिन नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन 5 mm इज चार्ज बाय अ बैटरी। तो आपको ये गिवन है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें डी की वैल्यू गिवन है, एक बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वी। इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ माइका शीट, जो माइका शीट होती है ना वो क्या होती है डाइलेक्ट्रिक होती है। तो डाइलेक्ट्रिक है माइका शीट और 2 mm थिकनेस, तो टी की वैल्यू कितनी है 2 mm। तो डी आपको पता है, डी आपको पता है, इसमें टी भी पता है। तो पहले यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी थी। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। तो ऐसा करने से कैपेसिटी क्या हो गई बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई। अब ये बैटरी से ज़्यादा चार्ज ले सकेगा कैपेसिटर, और कितना चार्ज ज़्यादा लिया 25% चार्ज ज़्यादा लिया। इसने चार्ज क्या लिया था क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी सी एरा, इसने चार्ज क्या लिया क्यू डैश इज इक्वल टू सी डैश इंटू बैटरी वही है वी, राइट। तो इसमें सी डैश है, इसमें सी है, सी डैश ये है सी ए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो क्यू डैश है वो क्यू से 25% ज्यादा है, ऐसे है। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आएगी 125/100 इंटू क्यू। तो आप इसमें क्यू डैश की वैल्यू को पुट कर दें, क्यू की वैल्यू को पुट करें, आंसर आएगा आपके पास। तो मेथड समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस।
नेक्स्ट 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया, लैडर वाली प्रॉब्लम पैरेलल में होती है, डन। क्वेश्चन नंबर 17, कैपेसिटर स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सेम स्टेयर लाइट, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप डी है, दूसरे का डी प्लस बी है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हमने कर लिया। लैडर खुद बनानी है इसमें, ये हमने कर लिया, वो शीट में सीरीज पैरेलल की प्रॉब्लम है, ये हमने कर लिया। चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो ये आपकी सब्जेक्टिव शीट है, राइट। इसके बाद शीट नंबर 10 के बाद शीट नंबर अगर 11 की बात करते हैं, तो शीट नंबर 11, देखो शीट नंबर 11 कैपेसिटेंस की नॉर्मल शीट है, ठीक है, ये टोटल एनसीईआरटी की शीट है। शीट नंबर 11, शीट नंबर 12, 12 भी नॉर्मल सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस हैं, 12, शीट नंबर 13, 13 भी सीरीज पैरेलल की सिंपल प्रॉब्लम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, 13, एंड शीट नंबर 14 जो एनर्जी के ऊपर है, हाफ सी वी स्क्वायर और इसके ऊपर, ये सब एनसीईआरटी की शीट्स हैं। आपने नेक्स्ट टाइम ये सारी शीट्स को कॉपी में करके सबमिट करना है, होमवर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी शीट्स का काम आपने करना है, ये मैंने नहीं करना, ये आपने करना है, ठीक है। तो रिपीटेशन ही करेंगे क्वेश्चंस की, तो ये आपका होमवर्क है।